नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रवि कुमार एमएमएस सेंटर से और आपका स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो को पहले आप लाइक कर दें। और आज का जो मैंने टॉपिक लिया है डिजीज़ जो है डिजीज़ क्या है, स्टेमिना के बारे में है। जैसा कि आपने थंबनेल देख के पढ़ लिया होगा कि कैसे बढ़ाएं पुरुषों का स्टेमिना। आजकल जो है पुरुषों में स्टेमिना का बहुत ज़्यादा, अब पहले तो मैं समझा था स्टेमिना है क्या। देखिए स्टेमिना का मतलब यहाँ सिर्फ एक फिजिकल और सेक्सुअल वीकनेस नहीं होता है। स्टेमिना का यहाँ मतलब दोस्तों ये है कि मतलब आपको मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली ये सब चीज़ों से बिल्कुल मजबूत। ऐसा नहीं कि आदमी का दिमाग फास्ट काम करना चाहिए। जैसे आदमी कभी क्या होता है किसी चीज़ में फोकस ही नहीं बन रहा है, काम में आपका ध्यान ही नहीं लग रहा है, और क्या होता है कि आप सेक्सुअली वीकनेस आपको आ जाती है। एक उम्र के बाद तो खैर ऐसे ही हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर आपको ऐसा कर परेशानी हो रही है तो ये आपका जो है स्टेमिना वीक इसको कहा जाएगा। अच्छा आगे इसमें और क्या हो जाता है, जैसे आदमी का पुरुषों में क्या है बराबर जो है इसे कमर में दर्द रहने लगता है, और भी कई सारे जो है वीकनेस समझ में उनको नहीं आती। किसी भी काम में आपको फोकस नहीं मिल रहा है, काम ऑफिस जाने से पहले ही जो है आपको सुबह उठने का मन नहीं कर रहा है, मतलब आपके अंदर वो फुर्ती नहीं रहेगी जो फुर्ती होनी चाहिए, जो आपको बचपन में फुर्ती होती या जो पहले फुर्ती होती थी, जो आपको पहले चीज़ें होती थी वो चीज़ें अब आप नहीं रह जाती है। तो इसी को कहते हैं स्टेमिना वीकनेस। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस की कमी, अगर कॉन्फिडेंस की कमी है तो भी इसको स्टेमिना का वीकनेस माना जाएगा। पर्सनैलिटी अगर आपकी जो है दिन पर दिन डल होते जा रही है तो ये भी चीज़ जो है स्टेमिना में ही गिना जाता है कि ये आपका स्टेमिना वीक होते जा रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ को ध्यान में लेते हुए आज हमने पुरुषों के लिए तीन दवाओं का जो है एक समीकरण बनाया है जो पुरुषों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है, काफ़ी ज़्यादा इसके फ़ायदे होते हैं। इसके पीने से क्या होगा, पहले देखिए कमर में जो दर्द वगैरह रहती है वो समस्या हो जाएगी। सेक्सुअली अगर आप वीक हो चुके हैं तो इसमें आपको बहुत अच्छा काम करता है। दूसरी तीसरी चीज़ क्या है, आपको जैसे मेंटली वीकनेस है, डिप्रेशन में रहते हैं, हमेशा तनाव से रहते हैं, चेहरा आपका मुरझाया मुरझाया सा रहता है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, समझ में नहीं आता है, फोकस आपको बहुत वीक है कि आखिर मुझे अपने काम में आपको फोकस नहीं मिल रहा है। कोई भी काम शुरू करने से ही आपको पहले ही डर लग रहा है ये काम शुरू करें या ना करें। अगर इस तरह की चीज़ें आपको पहले अगर महसूस हो रही है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे अंदर से जो है वो फुर्ती नहीं मिल रही जो मुझे होना चाहिए, जो मुझे लगना चाहिए, अगर इस तरह की समस्याएं हैं तो आप ये तीनों मेडिसिन का कॉम्बिनेशन ज़रूर लें। आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। इसमें बहुत ही अच्छा ये काम कर रहा है, मैंने कई रोगियों को दिया है, कई रोगियों को मैंने यूज करके देखा है, उनका रिजल्ट एकदम पॉजिटिव आता है। पहले जो मेडिसिन दोस्तों है ये पुरुषों के लिए स्टेमिना बढ़ाने के लिए वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा मैं आपको बता दूं, अश्वगंधा बहुत ही ये पुराना, आयुर्वेद में भी इसका बताया गया है। अश्वगंधा जो वही है जो आयुर्वेद में होता है वही होम्योपैथी में, मैंने कहा ना कि इसका बनाने का जो फॉर्मेशन वो तरीका अलग हो जाता है बस। तो अश्वगंधा ये पुरुषों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और महिलाओं के लिए भी काफ़ी ये बेनिफिशियल है। तो पहली चीज़ जो है वो अश्वगंधा मदर टिंचर मेडिसिन है। दूसरी मेडिसिन जो है वो है डेमियाना। डेमियाना भी दोस्तों बहुत अच्छी मेडिसिन होती है पुरुषों के लिए, खासकर कमर दर्द के लिए और वीकनेस के लिए, सेक्सुअल वीकनेस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। मेंटली अगर आप वीकनेस डिप्रेशन रहते हैं, काम करने मन नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा, जैसे मैंने पहले जो एक्सप्लेनेशन आपको कर चुका हूँ, उस तरह का समस्या अगर आपको लग रहा है, एक तरह से आप टॉनिक समझ लो कि पुरुषों की टॉनिक होती है और डेमियाना होता है। और तीसरी जो है दोस्तों जिनसेंग। जिनसेंग ये एक चाइना में होने वाला पौधा जड़ होता है, उस पौधे की जड़ से ये दवा बनती है। थोड़ी महंगी होती है दवा, ये थोड़ी क्या मतलब मदर टिंचर में इसको काफ़ी महंगी दवा मानी जाती है जिनसेंग की। ये चाइना में ही सिर्फ होता है और कहीं होता नहीं है, इंडिया में नहीं होता, चाइना से इसकी जड़ होता है, उसकी ये मेडिसिन जो प्रिपरेशन तैयार किया जाता है। तो तीनों दवा आपने समझ गए, अश्वगंधा, डेमियाना और जिनसेंग, तीनों दवा को आप मिला लें। मिलाने के बाद जो है दोस्तों इसको 40-40 बूंद सुबह दोपहर शाम तीन टाइम लें, बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। कम से कम एक महीने आप इसको ज़रूर लें, अगर एक महीने में आपका ठीक हो जा रहा है तो दवा को बंद कर दें, अगर फिर भी आपको लग रहा है ऐसे भी आप इसको जोड़ ले सकते हैं, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको एक महीने के बाद बढ़ा भी सकते हैं, 45 दिन कर दीजिए, 2 महीने कर दीजिए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। और जो थोड़ा सा अगर वीकनेस आपको महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी अगर लग रहा है, तो इसके लिए जो सबसे अच्छी मेडिसिन होती है दोस्तों वो है एसिड फॉस। जी हाँ,
एसिड फॉस्फोरिकम इसको कहते हैं, खाना खाने के बाद 10 बूंद आप इसको लीजिए, बहुत ही अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, बहुत ही अच्छा काम करती है दवा एसिड फॉस मदर टिंचर में। जी हाँ, क्यों, खाना खाने के बाद 10 बूंद लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो आपको समझ में आएगा, अच्छी लगे होगी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर भी जरूर कर दें चैनल को, और कमेंट करके बताएं कि आपको अगली वीडियो किस चीज़ पर चाहिए, और कोई भी सुझाव और समस्या हो तो ज़रूर आप कमेंट करके बताएं। और वीडियो दोस्तों अपने फ्रेंड और रिलेटिव के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि देखिए ये कोई कॉमेडी वीडियो नहीं है, ये एक बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है। हर आदमी इससे परेशान है, इससे बीमारियों से, हम ये इसी के लिए तो आए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप में हमारी बातों को, जो हमने ज्ञान लिया, जो हमने पढ़ाई कर रहा है, जो हमने प्रैक्टिकल किया है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। ये तो मेरे पढ़ाई का क्या मतलब है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतने ही, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, हम यहाँ इसीलिए बैठे हैं ताकि सब्सक्राइब जरूर मिले हमें, थैंक यू सो मच। जल्द से जल्द सब्सक्राइबर को बढ़ाएं, 1,000, 2,000, 10,000, लाखों में करें हम तो चाहते हैं, ताकि मैं लाइव आऊँ और लाइव आ करके आपको मेडिसिन जो है डायरेक्ट ट्रीटमेंट दूँ, लाइव ट्रीटमेंट दूँ, लाइव में बातों का जवाब दूँ, सवालों का आपका जवाब दूँ। क्योंकि जब तक सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे मैं लाइव नहीं आ सकता। ये YouTube का एक प्रोटोकॉल होता है, मतलब 1,000, 2,000 तो कम से कम होना चाहिए लाइव आने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। बी हेल्दी, कीप हेल्दी, थैंक यू।